हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं हम लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। देखिए, दो खुशखबरी आई हैं कल के दिन में हमारे लिए। पहले खुशखबरी तो यही है कि कल राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 500 साल का वनवास छूटा है सनातन धर्म का, भगवान श्री राम का, आपका, हमारा, हमारी जो पूर्वजों का, पीढ़ियों का वनवास छूटा है। दूसरा, सीबीआई जांच का जो हमारा स्ट्रगल था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे थे एसएसआर केस में, वो हमारा स्ट्रगल पूरा हुआ है। अब सीबीआई के हाथ में वो केस है, सीबीआई जो है अब उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी बात, कल पाकिस्तान की जो नापाक हरकत रही है उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जो उसने झंडा पास किया है, चूतियापंती जो उसने करी है, बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसका खंडन किया है, बेइज्जती इनकी वहीं हो गई है पाकिस्तान की। दूसरा, जो सरपंच की आज फिर एक हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में, कहना लग यह है कि बहुत अच्छी खबरें भी आई हैं, बुरी खबरें भी आई हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ एसएसआर केस है, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, आज बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त हैं उन्होंने रिपब्लिक भारत को उनके साथ इंटरव्यू किया है और उनके इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातें बता दी उस पार्टी में क्या क्या हुआ था। सलमान खान के भाई भी मौजूद थे, एक कौन से भाई, तो कोई कह रहा अरबाज था, कोई कह रहा वो था, जो भी बात थी, आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। उसके बाद देखिए जो हरकतें इन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह को प्लांट किया गया, 13 जून को भी, मतलब 13 जून को जो पार्टी थ्रो की थी इन्होंने सुशांत सिंह ने अपने घर पे, वहाँ भी 4-5 लोग आए थे सुशांत सिंह से बात करने के लिए, सुशांत सिंह नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो उनके दोस्त थे उस दोस्त ने इनको जो है उस दोस्त से उन्होंने बात शेयर करी थी कि ये दिशा के साथ हुआ है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक एक के नाम सबको बताऊंगा। लेकिन उस दोस्त ने आगे क्या कर दिया, जो दोस्त कहते ना वो ऐसे दोस्त हैं जो पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं, उस दोस्त ने वो काम किया, उसने सुशांत सिंह के दुश्मनों को सारी बातें बता दी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और यही यही शायद सबसे बड़ी जो है उनकी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण ही यही था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती से उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने कहा है कि 6 दिन में 50 सिम कार्ड, जी हाँ, 6 दिन में 50 सिम कार्ड उन्होंने बदले। ईडी अब बीच में आ चुका है। वैसे मैं बता दूं आपको, शांत सिंह केस में जो है ईडी ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेज चुका है, उनके अकाउंट में 52-53 करोड़ रुपए थे, अब 2-2.5 करोड़ रुपए रह गए हैं, कहाँ गए सारे पैसे कुछ नहीं पता। दूसरी बात, ये जो उन्होंने कहे हैं कि दिशा के साथ जो गंदी हरकतें हुई हैं उसमें मंत्री भी मौजूद थे, और जिस दोस्त से उनने बात हुई है वो दोस्त ने कहा है कि मेरी कोई बात नहीं हुई, जबकि जो चश्मदीद गवाह है जिसने डब्ल्यू टीवी से बात की है उसने कहा है सुशांत सिंह से उनकी बात हुई है, और उसने कहा कि सुशांत सिंह को कि भाई वो तो उन्होंने तो सुसाइड कर लिया है। सुशांत सिंह ने उनको कहा है कि भाई मेरी तो अभी बात हुई दिशा से। दूसरी बात, महाराष्ट्र पुलिस से साफ साफ महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि ये मजाक है या क्या है, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाले गए हैं, जो पार्टी में थे किसी से पूछताछ नहीं की गई है, किसने दिशा को पार्टी में बुलाया, कौन थे वो लोग, सुशांत सिंह को किसने फ़ोन किया, अगर दोष मुकर रहा है तो उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकालें, ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा ही, और सब कह रहे हैं कि प्लांट था, और बिल्कुल ही प्लांट है। एक बार को इस तरीके से हमको दिखाया गया था कि आप में और हम में से सबको यकीन करने में मजबूर हो गए थे हम लोग कि भैया ये तो सुसाइड है, डिप्रेशन में हो सकते हैं। क्या क्या रीज़न दिए जा रहे थे कि इनकी फिल्में जो हैं ऑनलाइन रिलीज़ कर रहे थे, इस चक्कर में फिल्में फ्लॉप हो रही थी, सुशांत सिंह को 7 फिल्मों से निकाला गया था, बहुत सारे रीज़न दिए गए थे, लेकिन शायद वो उस सारे रीज़नों को टैकल कर सकते थे, उनको फिल्मों से निकाला जा रहा होगा तो ही वो शायद कह रहे थे कि मैं फिल्में छोड़ दूंगा, फार्मिंग करूंगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, ये सब उन्होंने बातें कही कही ना। इसका मतलब यह है कि फिल्मों की वजह से वो डिप्रेशन में नहीं थे, वो उनकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ ये बाकी लोग हैं। दूसरी बात ये कि अर्नब गोस्वामी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जो बहुत बड़ा सबूत है, आई थिंक सबसे बड़ा सबूत होगा वो, जो कि अर्नब गोस्वामी ने साफ कह दिया है कि वो या तो सीबीआई को देंगे या कोर्ट को देंगे। बिहार के डीजीपी को उन्होंने लाइव शो में कहा है कि अगर आप बोले तो मैं आपको भी वो दे सकता हूँ इंटरव्यू, जो मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, माफ़ कीजिएगा, वो स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप मैं आपको भी दे सकता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को नहीं दूंगा। और महाराष्ट्र पुलिस का इनमें साफ साफ इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े लोग सामने आएंगे,
दूसरी बात यह है कि जो मुझे कह रहा था कि क्या भाई सार्थक भाई आपको लगता है कि सरकार गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है। महाराष्ट्र सरकार अगर गिर जाती थी, आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया है, अगर महाराष्ट्र सरकार गिर जाती है तो बहुत अच्छा है। और जो है बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे नहीं लेकिन एनसीपी पे तो कम से कम प्रेशर बना सकती है। और एनसीपी ने अगर हाथ किसी ने भी एक हाथ छोड़ दिया तो सरकार गिरनी गिरनी है। और जिस दिन सरकार गिर गई पावर, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के हाथ में पावर होगी और फिर ये शिवसेना के दल्ले लोग नहीं बचते। और किसी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में कल परसों की वीडियो में मुझे कमेंट किया, बड़ा अच्छा मुझे कमेंट लगा कि रिया चक्रवर्ती इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक टिप है वो आइसबर्ग की, आइसबर्ग की कितनी गहराई है आप सबको पता है कितना बड़ा होता है आइसबर्ग, वो आइसबर्ग कितना गहरा है उस गहराई में कौन कौन है ना हमने वो देखना है। रिया चक्रवर्ती को सिर्फ प्लांट के जा रहा है, रिया चक्रवर्ती को तो ऐसी है दो थप्पड़ मारेंगे तो अपने आप ही पुलिस जो है अपने आप ही वो सारी बातें निकलवा देंगी कि भैया आप मेरे से ये था वो था। ये तो रिया चक्रवर्ती को मार देते अब तक, मेरे को बात समझ आई है कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ इनको जिंदा इसलिए क्योंकि मीडिया का प्रेशर था, नहीं तो रिया चक्र देखिए सुशांत सिंह के कितने दोस्तों ने जो है उनको तब सुसाइड कर लिया उन्होंने, वो भी मर गए हैं जो उनसे पहले के दोस्त थे। फिर सुशांत सिंह के फैंस ने सुसाइड कर लिया है, पार्टी में जो लोग थे वो गायब हैं। मतलब कहने मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती जो एक बहुत बड़ी जो है आई थिंक एक कड़ी हो सकती है अगर वो खुद दो थप्पड़ मुंबई मारेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती सब सच उकल लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जिंदा इनकी मजबूरी है रखना क्योंकि रिया चक्रवर्ती का अब जो मतलब जो प्रेशर है मीडिया का वो रिया चक्रवर्ती को बचा रहा है। नहीं तो कौन ऐसी ऐसी फ्लॉप एक्ट्रेस को, ऐसी घटी एक्ट्रेस को, ऐसी फ्लॉप पिक्चरें देने वाली हीरोइन को एक महंगा वकील कर देंगे? कौन महंगा वकील करके देगा इनको? तो कहने वाला यही है कि इनको बचाया जा रहा है, इनकी इसको बचाना इसकी इनकी मजबूरी है, ये बॉलीवुड की जो लॉबी है पूरी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम बड़े बड़े सामने आएंगे, महेश भट्ट सलमान खान का जो भाई है उसका भी, और जितने लोग हैं सबके नाम सामने आएंगे। पूरी कहानी पता है सुशांत सिंह के जो दोस्त हैं उन्होंने बता दी है पूरी कहानी, जो जिन्होंने रिपब्लिक भारत से आज जो है इंटरव्यू किया है। और यही चीज़ हम पहले से कह रहे थे कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं पीछे वजह होती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इतनी जहमत ही नहीं करी कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ सके। इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र पुलिस चाहती नहीं थी केस सामने आए, सीबीआई की जो मांग कर रहे थे। अब जो इंटरव्यू जो रिपब्लिक भारत, पहली बात तो रिपब्लिक भारत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ना सिर्फ अर्णव गोस्वामी का बल्कि उनकी पूरी टीम का। और इनके पास जो कहते हैं कि जो स्टिंग ऑपरेशन है या जो बहुत बड़ा सबूत हो सकता है वो सीबीआई को देंगे, हो सकता है कि वो सबूत काफ़ी हो सच को सामने लाने के लिए। लेकिन अर्णव गोस्वामी को जो और कंगना रनौत को जितने भी सुशांत सिंह के सपोर्टर हैं उन सबको जो जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, कम से कम इसके इनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए और हम लोगों को इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत भी प्रेशर हम सब बना सकते हैं, देखिए हमें उम्मीद है सीबीआई से, केंद्र सरकार से, कोर्ट से, लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद सुशांत सिंह के केस की जो उनको इंसाफ दिलाने की हो सकती है वो आप और हम हैं। जनता से बड़ा कोई इंसाफ नहीं कर सकता किसी का भी, अगर हम एक है ना भूल जाइए कि कोई सुशांत सिंह का हेटर हो या ना हो। इस वक्त सिर्फ हमें सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना है और ऐसे घटिया लोगों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे कि क्या करना सुशांत सिंह के केस के ऊपर, पूरी बीजेपी भाग रही है, बीजेपी से बड़े तो नौकरी देती कुछ करती, सुशांत सिंह तो इनको मुद्दा बन गया। ये कौन सी बात को कहाँ जोड़ रहे हो मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? कल भी कुणाल कामरा ने ट्वीट किया राम मंदिर के ऊपर कि अगर आज राम मंदिर, अगर कश्मीरियों के पास इंटरनेट होता तो सेकुलरिज्म को मरते हुए देख लेते, हत्या देख लेते सेकुलरिज्म की अपने सामने, राम मंदिर जब बना। अरे फिर मैंने सोचा तकलीफ हुआ है बेचारे को, ना डायलॉग था ना अच्छा वेलकम मूवी का, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोलने दो, भौंकने दो, ऐसे भौंकने वाले सैकड़ों मिलेंगे। ना राम मंदिर का निर्माण रोक सके हैं और ना ही सुशांत सिंह को इंसाफ मिलने से रोक सकेंगे। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ प्लीज़ इनको बायकॉट करें। और जिन जिनको सुशांत सिंह केस के से जो जो खुलासा कर रहे हैं उनको जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिनके साथ कोई भी बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं है, कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी दी गई, कौन सी सौरभ भास्कर ने उनको कुछ बोला कि हम आपके साथ हैं, कौन सी तापसी पन्नू ने बोला, कौन सा कुनार अनुराग कश्यप ने उनको बोला, कौन सा सलमान खान ने उनको बोला हम कंगना के साथ हैं? कोई किसी के साथ नहीं है, कंगना अकेली है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत बहुत करीब पहुँच चुका है,
कातिलों के, और जो जो सोशल मीडिया पे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैशटैग चला रहे हैं, जो जो अपने लेवल पे जो है खुलासा कर रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो किसी वजह से अपने नाम सामने नहीं ला रहे हैं, अगर वो किसी वजह से अपने नाम सामने नहीं ला रहे हैं तो उनकी पर्सनल वजह हो सकती है, लेकिन अगर कहीं भी किसी को लगता है कि वो उनकी बातें नहीं पहुँच रही हैं, तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उनके नाम लेके, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा किसी का भी, जिन्होंने बातें जो खुलासा कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम लेके वो बातें बताऊंगा। अगर कुछ चाहता है जो खुलासा कर रहा है, जो जो भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पे, जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, अपने लेवल पे खोज कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। कोई हम चाहते हैं कि सब एक हो जाए और बॉलीवुड से नफरत हो चुकी है सबको। चलिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सबको ठीक रहा अगर सुशांत सिंह केस के ऊपर, तो उस बारे में बात करेंगे, नहीं तो पाकिस्तानियों की तो मार चोदनी ही चोदनी है इस बार। और जो राम मंदिर के ऊपर जो बकवास कर रहे हैं, उनकी भी ऐसी की तैसी करूँगा, जो पाकिस्तान ने